हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे LIC की योजना पेंशन पर पेंशन। ये एक LIC की योजना है जो मैं प्रेफर करूंगी कि सब करें। इसमें अगर आप सिंगल प्रीमियम दे सकते हैं या देना चाहते हैं, ऐसी कोई पॉलिसी चाहते हैं जो आपको एक सिंगल प्रीमियम ही देना पड़े और उसके ऊपर आपको ज़िंदगी भर आपको पेंशन मिलती रहे और उसके ऊपर भी पेंशन मिलती रहे बिना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा किए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी LIC की ये वाली योजना। इसमें हम मान लीजिए कि हम अपना 10 लाख का हम अपना चाहते हैं कि हमारा सम अश्योर्ड जो है वो 10 लाख हो, जो मैं सिंगल प्रीमियम में दे सकती हूँ। तो इसके लिए जो मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा वो 10 लाख प्लस GST जो सरकार के द्वारा लागू है वो देना पड़ेगा, जो कि मेरा अप्रॉक्सीमेटली आएगा 10,18,000 के आसपास आएगा। बस ये मुझे वन टाइम देना है, और जैसे मैंने दिया 2017 में, दिसंबर 2017 में दिया, तो मेरी जनवरी 2018 से मेरी पेंशन शुरू हो जाएगी। और कितनी मुझे पेंशन मिलेगी, अगर मैं एनुअल बेस पे लेती हूँ तो मुझे मिलेगी पेंशन लगभग 68,950, दैट मीन्स राउंड अबाउट 69,000 एनुअली। अगर मैं इसी को हाफ ईयरली चाहती हूँ तो 33,725, क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, तो मुझे ये मिलेगी 16,688 रुपये। और अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे तो मंथली एक इनकम चाहिए अपने अकाउंट में, तो वो मुझे मिलेगी 5,525 रुपये ज़िंदगी भर, जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं अलाइव हूँ ये मुझे मिलती रहेगी। और अगर मैंने इसमें अपनी मेरी डेथ हो जाती है, मान लीजिएगा कि मैं अभी हूँ 39 ईयर्स की, और अगर मेरी डेथ 80 ईयर्स में हो जाती है मान लीजिए, तो 41 ईयर्स तो मैंने ली, और मेरी डेथ के बाद मेरा जो स्पाउस है, मेरे हस्बैंड है, उनको ये पेंशन मिलती रहेगी जब तक वो जीवित रहेंगे। और हम दोनों के चले जाने के बाद जो भी हमने सम अश्योर कराई थी 10 लाख, वो हमारे नॉमिनी को मिल जाएगी, LIC उसे वापस कर देगी। तो कितना फ़ायदा हुआ, 41 ईयर्स तक अगर मैंने 69,000 रुपीस लिए, तो दैट मींस मैंने कितने ले लिए, राउंड अबाउट इट विल कम इन करोड़, नॉट इन करोड़, आई एम सॉरी, वेट आई विल कैलकुलेट इट, ये लगभग आएगी 34,6,950 रुपीस तो मुझे मिलेगा। और मैंने कितने जमा कराए थे, 10 लाख, और वो भी मेरे को वापस मिल रहे हैं, मेरे नॉमिनी को वापस मिल रहे हैं, तो ये मैंने ज़िंदगी भर उसका इंटरेस्ट खाया। और जैसे मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँगी कि मुझे तो पेंशन की अभी ज़रूरत है ही नहीं, तो इसके लिए एक और प्लान है जो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो आप लीजिएगा, वो आप अपने बच्चे के नाम से लीजिएगा। उसमें आपको क्या फ़ायदा रहेगा कि आपने लिया, मान लीजिए उसका प्लान, ये सेकंड नंबर का हम प्लान है, उसको हमने 15 लाख का हमने उसको पॉलिसी दी है हमारी, दैट मीन्स सम अश्योर्ड उसको मिलेगा 15 लाख का हमने उसको सम अश्योर्ड दिया है। और ये 15 लाख एक साथ नहीं देने हैं, ये 15 लाख हमें प्रीमियम पे टर्म ये हमें देने हैं 20 साल के अंदर, तो हमारा मंथली हो जाएगा
अगर मैं प्रीमियम देखती हूँ कि कितना मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो ईयरली के हिसाब से मुझे देना पड़ेगा 81,054 रुपीज़, और अगर मैं डेली के हिसाब से देखूँ तो 222। हम बाज़ार में निकलते हैं, बच्चों ने ज़िद करी बर्गर खाना है, मैकडॉनल्ड जाना है, 400-500 रुपये तो यूं ही निकल जाते हैं। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो 222 रुपये कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि ये आप लीजिएगा। एक तो ये आपको बस प्रीमियम 20 साल तक देना है, दैट मीन्स जब आपका बच्चा 32 ईयर्स का है, मान लीजिए अभी वो 12 साल का है, प्रेजेंट एज ऑफ किड, दैट मीन्स अगर 12 साल का है तो आप 20 साल तक पे करिएगा, और जब वो 32 ईयर्स का हो जाएगा, 32 ईयर्स से उसके 100 ईयर्स तक उसको 8% ईयरली के हिसाब से पेंशन मिलती रहेगी जिंदगी भर। दैट मीन्स उसको 1,20,000 रुपीज़ पर ईयर मिलते रहेंगे, दैट मीन्स 10,000 पर मंथ उसको ज़िंदगी भर मिलेगा। 8% का कोई भी गारंटी, कोई भी बैंक फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं देगा, मगर LIC ये गारंटी के साथ देती है। तो इसमें ये क्या फ़ायदा है कि देखिए, अभी मैंने जैसे ये वाली पेंशन प्लान लिया, मुझे अभी तो इसके पैसों की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैं अभी जॉब पर हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि जो इसकी जो मुझे पेंशन आ रही है वो मैं इसमें लगा दूँगी। दैट मीन्स अगर मेरे 81,000 में से 69,000 मेरे पे हो रहे हैं, तो मेरे को बस 12,000 पर ईयर देने पड़ेंगे एज अ प्रीमियम ओनली। और उसमें मेरे को क्या फ़ायदा होगा, ये, और ये 20 साल तक कटेगा बस। और 20 साल के बाद जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी, आपकी पेंशन 100 सालों तक चलती रहेगी। इस वाली से भी पेंशन चलेगी, ये तो चल ही रही है पेंशन, है ना। जब आपने इसके अंदर यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गया इसका प्रीमियम पे टर्म, ख़त्म हो गई, तब इसकी पेंशन आपकी अपनी, और 20 साल के बाद इसकी पेंशन भी स्टार्ट हो गई। तो हो गया ना पेंशन पर पेंशन, एक अमाउंट दिया और मुझे दो पेंशन मिलने लगी। 12,000 यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा 20 साल तक, 12 दूनी 24, दैट मीन्स 2.5 लाख के रुपए के करीब बस मुझे देना पड़ेगा। और मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है आप ये देखिएगा। मान लीजिएगा कि 32 साल की एज पे बच्चे की पेंशन शुरू हुई, और 80 ईयर्स मान लेते हैं हम, क्यों 100 ईयर्स पे जाएं, एवरेज ईयर जनरली 80 ईयर्स, 70-80 ईयर्स के बीच में होती है। दैट मीन्स कितना हो गया, 48 ईयर्स, 48 ईयर्स तक उसको 8%, दैट मीन्स 1,20,000 के हिसाब से उसको पेंशन मिलेगी जिंदगी भर। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स उसे पेंशन मिलती रहेगी 57,60,000, तो उसको पेंशन के रूप में मिलेगा, प्लस 57,60,000 उसकी डेथ के बाद जो उसका नॉमिनी होगा उसको मिलेगा सम अश्योर्ड, जो कि हमारा 15 लाख का था। बोनस 60, उस समय उसको 60 लाख, 65 लाख से अबव ही मिलेगा, प्लस में मिलेगा। 65 से 75 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है। तो ये लगभग लगभग, ये तो मैं मिनिमम रेंज पे रह रही हूँ, तो 80 लाख तो उसके नॉमिनी को मिलेगा ही मिलेगा। तो कितना हो गया, 80 लाख नॉमिनी को मिला, 57 लाख हमने पेंशन के रूप में बच्चे ने लिया, तो 1 करोड़ से ऊपर का, प्लस
ये 10 लाख रुपए भी मिलेंगे, तो 90 लाख ये आप जोड़ लीजिएगा, प्लस ये जो हम पेंशन खाते रहेंगे 34 लाख। तो टोटल अगर आप बेनिफिट देखें तो ये बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो ये पॉलिसी आप लोगों को ज़रूर करानी चाहिए, इट्स वेरी गुड। और ये LIC की है तो LIC धोखा नहीं देगी। बैंकों में जिस तरह से हम आजकल सुनने को मिल रहा है कि अब बैंक कभी भी दिवालिया घोषित हो सकते हैं, तो आपका पैसा जो है उसमें बैंक अपने अपने लिए यूज़ कर सकता है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। मगर LIC ऐसी कंपनी है जो आपको भरोसा देती है, जो आपका पैसा नहीं डूबने देगी। तो दोस्तों ये वाली पॉलिसी आपको ये ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद की पॉलिसी है। थैंक यू, होप यू लाइक इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट ऑल्सो, सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू, एंड सब्सक्राइब द पॉलिसी ऑल्सो। थैंक यू।